नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रॉड 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने गुरसहायगंज में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। मंच पर मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रही। इस दौरान बृजेश पाठक ने कई बयान दिए। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजनाएं लागू की, निःशुल्क गैस, शुद्ध पानी, हर घर नल, किसान सम्मान निधि का लाभ जनता को मिल रहा। निःशुल्क अनाज वितरण पर बोलते हुए बृजेश पाठक ने कहा कि पाकिस्तान में अनाज के लिए लोग लाठी खा रहे। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, सपा सरकार में बिजली दिन में आती थी, आज सभी जिलों में बिजली आ रही, वही सपा में स्कूल तबेले थे, आज बच्चों को पुस्तकें मिल रही, टीचर पढ़ा रहे। मंचलों को लेकर बृजेश पाठक ने कहा, हमारी बेटियों को बुरी नजर से देखने वाले 25,000 लफंगों पर मुकदमा। प्रदेश में माफियों पर हुई कार्रवाई पर कहा, माफियों को जेल में डर लग रहा, यूपी में कानून का राज, अपराधी कांप रहे। निर्माणाधीन राम मंदिर को लेकर बृजेश ने कहा, राम मंदिर का न्योता दिया, सनातन को ठगने का काम हुआ, मोदी जी ने इसको स्थापित किया, धारा 370 को हटाया, एक झंडा लहराया, तीन तलाक कानून पास किया, सपा वाले टेंडर लूट लेते थे। हम आपसे अपील करने के लिए आए, आपसे तो हमारे घरेलू रिश्ते, कन्नौज में तो घर घर की पानी बचे का और कहते हैं, बचपन से हमें आते जाते रहे, और लेकिन चाहे कि जाना है तो समझ नहीं पाए, समझ पाए नहीं समझ पाए। अब देखो, हम बाजार जाते हैं, अब गाँव घर की भाषा खत्म, हम लोग बाजार जाते हैं, वो लोग बाजार जाते हैं तो बढ़िया सौदा लेके आते हैं, नहीं लेके आते हैं, ढूंढ करके रोटी चली गई, काले तलाक 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 छोड़ सड़क बेघर हो गई बेचारी। मोदी जी ने बना दिया कानून कि बड़े बड़े आप ऐसे बेघर नहीं कर पाओगे, हमारी बेटी को न्याय देना पड़ेगा। तीन तलाक कानून पास करने का काम मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के पैमाने पर, इसलिए मेरे मित्रों आपसे कहने के लिए आए हैं, प्रदेश की सरकार पैसा भेजेगी लेकिन उसको खर्च करने के लिए जब ये टीम यहाँ मौजूद रहेगी तभी खर्च कर पाएगी, नहीं तो सपा वाले सब जानते हो खुद खुद कर देंगे। टेंडर लूट लेते थे, कामें नहीं करते थे, टेंडर लूट लेते थे, सरकारी योजनाओं की लूट बची थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से कानून की सरकार है, सब लोगों ने सबको जिता देना, यह प्रदेश पाठक पर व्यक्तिगत एहसास होता है। छिबरामऊ में आदरणी मनोज दुबे जी, जहां जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, प्रत्याशी पुत्र और इसी क्रम में कन्नौज बालिका हमारी